हेलो फ्रेंड्स, क्या हालचाल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए यहां पर आरपीएससी ग्रेड वन फिजिक्स पेपर का एनालिसिस आपके लिए लेके आया हूं। तो फ्रेंड्स, आज हम यहां पर फिजिक्स पेपर का यानी कि जो आपका ग्रेड वन है, हम यहां पर इसका क्या करने वाले हैं, आज पेपर एनालिसिस करने वाले हैं। हम देखेंगे कि आपके हर सब्जेक्ट में कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहां पर आते हैं, ठीक है। और ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हमको एक बार पैटर्न पता लग जाएगा तो हम उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी को और भी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो देखते हैं हम यहाँ पर कि हमको यहाँ पर क्या क्या दिया गया है। तो ये आपके सामने मैं एक लिस्ट बना के लेके आया हूँ, और लिस्ट में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको 2018 और 2019 के आपको यहाँ पर पेपर का मैंने एनालिसिस दिया है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये आपका क्वांटम मैकेनिक्स है, और क्वांटम मैकेनिक्स में आपके 2018 में 9 क्वेश्चन आए थे और यहाँ पर आपके 10 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। उसी तरीके से आप मैथमेटिकल फिजिक्स देख सकते हो, मैथमेटिकल फिजिक्स में आपके यहाँ पे 4 क्वेश्चन है और इसमें भी आपके यहाँ पर 4 क्वेश्चन है, मीन्स मैथ आपकी थोड़ी सी कम आई है। अब आप देख सकते हो क्लासिकल मैकेनिक्स सबसे ज्यादा यहाँ पर आपकी क्लासिकल मैकेनिक्स आई है, और क्लासिकल मैकेनिक्स में आप देख सकते हो 33 क्वेश्चन यहाँ पर हैं और 27 क्वेश्चन यहाँ पर हैं, मतलब नियर अबाउट अप्रोक्सीमेट अगर लेके चले तो आपके यहाँ पर 30 मार्क्स मतलब 30 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आपके आए हुए हैं, ठीक है। फिर हमारे पास है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, जिनको हम शॉर्ट में EMT भी बोलते हैं, और इस EMT में आप देख सकते हैं 12 क्वेश्चन यहाँ पर आए हैं और 11 क्वेश्चन आपके 2019 में आए हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपका एक पेपर एनालिसिस है, आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से आपके यहाँ पे क्वेश्चंस को डिवाइड किया गया है सब्जेक्ट वाइज। उसके बाद आप इलेक्ट्रॉनिक्स देखोगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स में यहाँ पे आपको 15 क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पे आपको 16 क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं। फिर आपके पास आती है ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स में यहाँ पे 6 क्वेश्चन है, यहाँ पर आपके 10 क्वेश्चन है। उसके बाद है न्यूक्लियर फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स में आपके 11 क्वेश्चन दोनों ईयर में आए हैं, 2018 और 2019 में आपके यहाँ पे 11 क्वेश्चन आए हैं, एक तरीके से मामला कॉन्स्टेंट है। अब फिर आप बात करते हैं एटॉमिक फिजिक्स की, एटॉमिक फिजिक्स में आप देखेंगे यहाँ पर आपके 8 क्वेश्चन है, यहाँ पर आपके 4 क्वेश्चन है, ठीक। उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स की हम बात करते हैं, थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिकल्स की, तो यहाँ पर आपको 11 क्वेश्चन और यहाँ पे आपको 15 क्वेश्चन दिखाई दे रहे होंगे। फिर आपके पास आता है वेव ऑसिलेशंस, वेव एंड ऑसिलेशंस, यहाँ पर आपको 5 क्वेश्चंस और यहाँ पर आपको 6 क्वेश्चंस। फिर आपके पास सॉलिड स्टेट फिजिक्स, जिसको हम शॉर्ट में SSP बोलते हैं, यहाँ पर आपके 8 क्वेश्चन है और यहाँ पर आपके 9 क्वेश्चन है। तो ये हमारे कुल क्वेश्चंस थे जो कि मैंने आपको बताया कि कितने कितने क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछे जाते हैं। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपके सब्जेक्ट वाइज कितने क्वेश्चन आपके क्वांटम में आए हैं, कितने क्वेश्चन आपके मैथमेटिकल फिजिक्स में हैं, कितने क्वेश्चन आपके क्लासिकल मैकेनिक्स में हैं, फिर EMT इलेक्ट्रॉनिक्स। तो यहाँ पर हमने 2018 और 2019 को ध्यान में रख के इस पेपर का हमने एनालिसिस किया है, ठीक है। तो आप इसी को ध्यान में रख के यहाँ पे अपनी तैयारी कीजिए और आपका सिलेक्शन यहाँ पे 100% हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, मिलते हैं आपसे आने वाली क्लासेस में, तब तक के लिए थैंक यू, कीप लर्निंग एंड बाय बाय।